Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for NMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the strategy to score 240 plus marks in NMAT exam. Guys, काफी लोग रेगुलरली पिक कर रहे हैं रिगार्डिंग NMAT के NMAT में क्या 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 टॉपिक्स में और ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि उनका कट ऑफ NMAT का निकल जाए। तो गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि अपने 2-3 साल एक्सपीरियंस है कि आपको एक्चुअली किन टॉपिक से फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना है, फोकस अपने करना है, बट ज्यादा फोकस किसमें करना है, और कुछ स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो, और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हम लोग का एनमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन पोस्ट होते रहते हैं। तो गाइस, अगर बात करूँ मैं कुछ की पॉइंटर्स की, तो गाइस पहली बात यह है कि आपको डिटेल्ड सिलेबस वाले गो थ्रू करना है कि एनमैट का सिलेबस डिटेल क्या है, और वो आपको ऑफिशियल गाइड से मत देखो। आप ऑफिशियल गाइड में जो टॉपिक्स होते हैं उसके बाहर से भी टॉपिक्स आ जाते हैं। तो मैंने एनमैट का डिटेल सिलेबस वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, उससे आगे देखो आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। गाइस, ये बात क्लियर है कि आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, ये इम्पोर्टेंट बात है एनमैट में। ठीक है, तो अब वो सिलेबस आप देख लेना, आपको देखना हो ऑफिशियल सिलेबस भी देख लो, और ऑफिशियल सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नहीं दिए रहते वो आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बोला मैंने कि हमने जब सिलेबस बनाया था वो कोई टॉपिक छूटेगा। गाइस, अब मैं बात करता हूँ, गाइस देखो, आपको बताया कि डिटेल सिलेबस जो है आपका, कौन सा आपका अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ, सब कुछ आता है। ऑफिशियल गाइड में ज्योमेट्री का मेंशन नहीं है, ज्योमेट्री भी आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गए थे, इनडायरेक्टली आए थे बट आ गए थे, और डायरेक्टली भी आए थे। ठीक है, बट आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप ज्योमेट्री बिल्कुल एंड में करो। ठीक है, बट ज्योमेट्री छोड़ के बिल्कुल मत जाना, बहुत बड़ा दिक्कत आएगा। अब गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 240 प्लस की, तो जो बच्चे गलतियां करते हैं उसे हम बात कर रहे हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, कौन सा आपको स्पेशल फोकस करना है। टॉपिक सारे पढ़ने हैं बट स्पेशल फोकस करना है कॉमन टॉपिक्स लाइक नंबर्स। नंबर्स को कॉमन मान सकते हैं बट नंबर्स में लोग कम फोकस करते हैं, बहुत बेसिक चीज देखे जाते हैं, बट आपको नंबर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में करना है गाइस। और नंबर्स जितना छोटा लगता है एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो नंबर्स हमको हर चीज पढ़ के जानी है अच्छे से। नंबर्स के साथ सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी पे। एक ऐसा एग्जाम है सारे एग्जाम में जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज देता है, आप मानोगे नहीं, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के स्लॉट में 6 से 8 क्वेश्चन आ गए थे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के, मतलब यू कैन से अगर 36 क्वेश्चन क्वांट में उसे 12 क्वेश्चन डीआई के हैं, 24 में से 8 क्वेश्चन, अराउंड 1/3 ऑफ द पेपर, 1/3 ऑफ द क्वांट सेक्शन इज पीएनसी प्रोबेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-8 क्वेश्चन भी आए थे पीएनसी प्रोबेबिलिटी से, पीएचडी कर प्रोबेबिलिटी अगर वाकई एनमेट निकालना चाहते हो, छोटा मोटा पढ़ के नहीं निकलेगा एग्जाम, सच बता रहा हूँ। ठीक है, डेटा सफिशियंसी, जिसमें लोग कम ध्यान देते हैं, डेटा सफिशियंसी आपको तभी आएगी जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे गाइस। अगर आपने टॉपिक्स नहीं पढ़ा तो डीएस का क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओ, अच्छे से डीएस पढ़ के जाओ, डीएस अच्छे से रूल समझ के जाओ, उसके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, अपार्ट फ्रॉम मॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीएस को लाइटली मतलब गाइस बहुत स्कोरिंग का ढंग से करके गए थे। ठीक है, देन वी हैव एलआर में गो थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग में आपका क्या क्या आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, ये सब तो आता ही है, साथ में कुछ एक स्ट्रेंथन एंड वीकेंड वाला भी आता है। ठीक है, जो आपके पहले कैट में सीआर आती थी, जो आप बोल सकते हो जीमैट में आती है, जीमैट थोड़ा हाई लेवल की आती है, उतनी हाई नहीं आती है, बट स्टिल तो आप सीआर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, हर टॉपिक से कम 25-25 क्वेश्चन करके जाओ सीआर के। ठीक है, स्पेशल फोकस ऑन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में अच्छे से फोकस करो गाइस, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वेटेज देता है। डायरेक्ट वोकैब भी आ जाते हैं बट उससे ज्यादा आपके फिलर्स में आते हैं, आरसी में आता है, डायरेक्ट वोकैब भी आ जाता है, बट 2 साल से एनालॉजीज आ रही है, एनालॉजीज भी वो क्या कोई पार्ट होती है, बट एनालॉजीज कुछ आप पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, एनालॉजीज के पीछे ज्यादा मत पढ़ना पहले बता दो, क्योंकि एनालॉजी ऐसी चीज है जितना ही पढ़ लो आपको भरोसा नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी एनालॉजीज मोर अबाउट मीनिंग, अगर आपको सिनोनिम सेंटोनिम्स आते हैं आपको मीनिंग पता है उसके, तो आप एनालॉजी निकाल लो, तो एनालॉजी क्या होता है, रिलेशन निकालना होता है, रिलेशन के लिए आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ना, क्या वर्ड है, तो आपको इनडायरेक्टली वोकैबुलरी पूछ रहा है, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा फोकस करूंगा आप। गाइस,
एलआर में इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लूँ। इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट ज्यादा जो आता है ना न्यूमेरिक बेस्ड आता है, जैसे मान लो पहली सीरीज दी गई है 12, 13, 14, 15, तो नेक्स्ट सीरीज देगा उसका डिजिटल सम, फिर दे देगा उसको डबल कर देगा, फिर उसको स्क्वायर कर देगा ऐसे। तो यार जो न्यूमेरिक बेस्ड होते हैं ना इनपुट आउटपुट, ये बहुत ईजी होते हैं। तो इनपुट आउटपुट आप जो वैरायटी आपको पढ़ाई जा रही है जहां से भी आप कर रहे हो अच्छे से कर लो, बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और मॉक से क्वेश्चन एनालाइज कर लो, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से डिसेंट देना। गाइस डीआई को छोड़ना नहीं है, काफी लोग गलती क्या करते हैं डीआई को एग्जाम में स्किप करके चले आते हैं, पूरा पूरा डीआई रैंडम मार्क कर देते हैं। गाइस ये पेपर जो है ना अडेप्टिव है एंड मैट, यहाँ पे आप रैंडम मार्किंग करोगे तो आपका बहुत लॉस हो सकता है। तो डीआई को आपको अगर मान लो एक सेट डीआई का है, मान लो चार क्वेश्चन उसमें है, आपको चारों के चारों को करना जरूरी नहीं है, चार में से दो भी अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, बट पूरा सेट को गैस मारना काफी रिस्की होगा आपके लिए। और गैस डीआई ढंग से पढ़ लो, क्योंकि तो मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि डीआई का थोड़ा वेटेज ज्यादा होता है इंडिपेंडेंट पॉइंट क्वेश्चन से, ऐसा होता है मुझे ऐसा लगा लास्ट ईयर। डीआई में डरने वाली बात नहीं, जिसने डीआई स्टार्ट नहीं की डरे नहीं, डीआई में कुछ पढ़ने लायक नहीं होता, इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। आपने डीआई की अगर हर वेरायटी कर ली है ठीक है, तो आप आराम से डीआई निकाल लोगे। और डीआई की अगर आपको प्रैक्टिस करनी वाकई तो टॉपिक टेस्ट अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि डीआई में आंसर तो 9th क्लास का बच्चा भी निकाल लेगा, क्योंकि नॉन कैट में जो डीआई आती है वो कैट लेवल की नहीं आती है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज सीरीज कैलकुलेशन इंटेंसिव आती है। तो इट इज मोर अबाउट टाइमिंग, आप टाइम कैसे दे रहे हो। तो डीआई में टॉपिक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे, तो डीआई के टॉपिक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पैरा जंप जो वीआरसी है, वीआरसी को रीडिंग कॉम्बिनेशन से लेते होता है। रीडिंग कॉम्बिनेशन की बात क्या है कि रीडिंग कॉम्बिनेशन को आप रीडिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ो, अगर आपको फैमिलियर पैसेज लग रहा है तभी उसको आप करो, वरना आप छोड़ के आगे जाओ, ठीक है। बट उसमें भी यही है कि आरसी जो होते हैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढो, ऐसे वाले कर सकते हो आप, ठीक है। बट गाइस देखो आरसी में भी ये है कि आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, अगर आपको आरसी समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, क्योंकि आरसी में टाइम वेस्ट कर दोगे तो क्या पता आगे के वो क्या भी आप इजी इजी क्वेश्चन छोड़े हैं। सिमिलरली पैरा जंपल्स में क्या है कि पैरा जंपल्स आपको आना ही आना चाहिए हर हाल, आपको पैरा जंपल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है गाइस। आप अगर कैट दे रहे हो तो कैट में तो बिना ऑप्शन के पैरा जंपर आता है, तब भी आप अच्छा कर लेते हो, ठीक है। मतलब वहां के लिए प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ का हो जाएगा, तो सारे रूल्स पढ़ के जाओ और ट्राई करो सारे पैरा जंपर्स आपके अच्छे से सही हो जाए, ठीक है। और ग्रामर के रूल्स ढंग से पढ़ के जाओ, प्रेपोजिशंस मेनली आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस एंड ग्रामर के सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट एरर स्पॉटिंग, ठीक है। तो गाइस ये सब करना ही है, बट पहली चीज ये है कि जल्दीबाजी में बिल्कुल भी एडमिट मत दो, बिल्कुल भी बहुत बड़ी गलती करने वाले हो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जल्दी देंगे तो पेपर इजी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब से अडेप्टिव हुआ सब कुछ बराबर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एंड में दो, मैं ये बोल रहा हूँ मिड में दो। किसी ने अगर 12-13 अक्टूबर को शेड्यूल कर लिया है, उसके मार्क्स में अगर ढंग के नंबर नहीं आ रहा है या मार्क्स नहीं दिया उसने, तो गैस फायदा नहीं मार्क्स आपका देने का। एक ही बार एडमिट दे सकते हो आप एनएमआईएमएस मुंबई के लिए या एनएमआईएमएस कैंपस के लिए, जल्दीबाजी में दोगे काफी रिग्रेट करोगे, आराम से 15 नवंबर 20 नंबर तक दो। मैंने तो अपने स्टूडेंट से बोल दिया है कोई भी अक्टूबर में एडमिट देगा ही नहीं, आप 10 नवंबर के बाद दो एडमिट, 15 नवंबर 20 नवंबर 25 नवंबर, जब भी एडमिट दोगे 12 मार्क्स देने के बाद ही दोगे, वरना एडमिट नहीं दोगे। अगर 12 मार्क्स नहीं दिए तो गैस अपने रिस्क पे एडमिट देना, इतना आसान नहीं निकलेगा नहीं, बड़ी बात पक्की है। अगर कट ऑफ निकल गया तो बहुत ज्यादा चांस है कन्वर्ट होने का, अगर कट ऑफ निकल गया तो इससे अच्छा कोई कॉलेज नहीं जो कन्वर्ट करा दिया, क्योंकि जितने भी टॉप 20 कॉलेज है सबसे इजी कन्वर्ट कराना होता है, इसमें 3 में से 1 बंदा जाता है मुंबई। इसलिए बोल रहा हूँ जल्दीबाजी मत रहो, आराम से कर लो, नई तैयारी हुई है रिशेड्यूल कर दो नवंबर में, ठीक है। कोई फायदा नहीं देने का एनमेट, ऐसे जल्दीबाजी में दोगे फायदा नहीं कुछ, ठीक है। गैस प्रॉपर है मॉक्स दो, मॉक्स रेलिवेंट होने चाहिए, ऐसे मॉक्स दो। हम लोग के जो एनमेट मॉक्स हैं वो भी काफी रेलिवेंट है, क्वेश्चन टाइप से रेलिवेंट है, वही मैटर करता है मेन विद अडेप्टिव स्कोरिंग। हम लोग के मॉक्स एनमेट के 1299 के थे 12 मॉक्स, अब वो 1099 के हो गए। यू कैन विजिट mockzone.in/nmat, वहां पे आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको प्राइसिंग शायद 1299 दिख रही होगी, बट हो जाएगा वो 1099 जब पे करोगे आप। बाकी अगर आपने फ्री मॉक दिया होगा तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा अकाउंट में ऑप्शन। बाकी का मॉक्स वगैरह तो ठीक है, मेन चीज है वैरायटी। अगर आपने पढ़ा नहीं तो मॉक्स आप चाहे 50 तो नहीं निकलेगा अच्छा, तो सारी वैरायटी अगर करनी ही कवर, यू कैन इवन चेक आउट अवर एडमिट कोर्स, अभी भी टाइम है। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का रीजन क्या है, अगर हम आज से बैच स्टार्ट करें तो किसी भी हाल में एडमिट कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम लोग पढ़ाते काफी डिटेल मैनर में। हम लोगों की पीएमसी प्रोबेबिलिटी की ही 14 क्लासे होती है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको एनमेट में कोई नया क्वेश्चन ना दिखे, सारी क्वेश्चन वैरायटी जो पॉसिबल वैरायटी सोच सकता है एनमेट में,
वो सब कुछ हम क्लास में ही करा देते हैं, इसलिए हम लोग की क्लासेस काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए जो क्लासेस हो चुकी हैं सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, आप वहां से रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और आगे जो क्लासेस होंगी वो भी रहेंगी। डिटेल्ड कोर्स है विद GDPI, आपको 6,000 का कोर्स है विद एनमैट स्नैप के मॉक्स। खाली GDPI का ही कोर्स अगर आप ले लो ना, एनमैट स्नैप का 3,000 से कम का नहीं होगा। एनमैट स्नैप के मॉक्स ही 2,000 के, 5,000 तो यही हो गया। पूरा कोर्स आपको 6,000 का मिल रहा है, एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है। ढंग से करो गाइस, पहली बार करो, निकाल लो एग्जाम। आप लोग 15,000 रुपए एनमैट स्नैप फॉर्म्स देने वाले हो, कम से कम तैयारी करने के लिए 6,000 देना पड़ता है, ठीक है। बाकी रिव्यूज चाहिए हो तो यू कैन व्हाट्सएप या एड्रेस नंबर, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप रिव्यूज डेमो वीडियो सब देख सकते हो। अभी भी गाइस कुछ लेट नहीं हुआ है, आराम से आप कवर कर सकते हो। लास्ट ईयर लोगों ने एक ही डेढ़ महीने निकाला है एनमैट, सबने स्टार्टिंग जल्दी नहीं की। बाकी गाइस अगर आप आगे के एग्जाम देना चाहते हो तो आप, हम लोग का नया बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है 12 अक्टूबर से। इसका ओरिएंटेशन 10th को है और पूरा बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स आपके मार्च या फेब में होते हैं, फेब एंड या मार्च में, ठीक है। तो इसका कॉम्बो पैक भी हम लोग का है पूरे नॉन गेट एग्जाम का, वो 9,000 का विद हार्ड कॉपी बुक्स। आप और इंक्वायरी करनी है व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी गाइस अगर आपको एनमैट से आपके दोनों मॉक्स लेने हैं, बेस्ट ऑप्शन है कि यू कैन गो फॉर द कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक आपको काफी कम का पड़ेगा, 2,000 में आपको 12 एनमेट 15 स्नैप मिल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट मॉक्स है, ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। mockzone.in/snap पे जा सकते हो आप, बाकी रिजल्ट देख सकते हो स्नैप एनमैट के आप, ठीक है। एनमैट के भी काफी अच्छे रिजल्ट थे गाइस, ये सब क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं लोगों के लास्ट ईयर के, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, रिजल्ट्स वगैरह, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई इंक्वायरी करनी हो, ठीक है। चलो गाइस, बाय।